पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर के द्वारा एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शलभ माथुर आईपीएस डीआईजी मुरादाबाद, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एमसी गर्ग सीएमओ मुरादाबाद और विशेष अतिथि के रूप में एमएचए के कानूनी सलाहकार और सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ वार्डन नजमुल इस्लाम, हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में सबसे पहले उपस्थित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके 91वें हेल्थ कैंप का उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात हाई कैपेसिटी लिफ्ट का उद्घाटन डीआईजी शलभ माथुर और सीएमओ डॉक्टर एमसी गर्ग के द्वारा फीता काटकर किया गया। इसके पश्चात प्रिविलेज कॉरिडोर और प्रिविलेज रूम का उद्घाटन भी डीआईजी शलभ माथुर आईपीएस डीआईजी मुरादाबाद के द्वारा किया गया। ऑडिटोरियम में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कोविड काल में विशेष योगदान के लिए हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और हाउसकीपिंग तथा सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित किया गया। सभी को उपस्थित अतिथियों के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष एसपी खोसला, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ढाल, ट्रस्ट के सचिव, ईपीसीएच के सीईओ सदस्य और यस के नेशनल सेक्रेटरी तथा खत्री सभा के कार्यकारी अध्यक्ष नीरज विनोद खन्ना, एमएचए के अध्यक्ष नवेदुर रहमान, डॉक्टर हामिद हुसैन, विनय गुलाटी, मनमोहन महाजन, यस के नेशनल सेक्रेटरी जेपी सिंह, नेशनल वाइस चेयरमैन तानिया भाटिया, एग्जीक्यूटिव जनरल सेक्रेटरी अनु ढल, पुनीत आर्य, निशांत रस्तोगी के साथ और भी लोग मौजूद रहे। एक सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की कि उन्होंने एक एशियन खोली यस इंटरप्रेनर के नाम से और उसके चेयरमैन बने, उन्होंने उसकी नींव रखी। उसके बाद समाज सेवा के कार्य में आज तक लगे हुए हैं और जो कार्य वो कर रहे हैं, मैं जब भी देखता हूं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, मैं अभी वहां देख रहा हूं, आपने देखा होगा कि मैं कल मेरे साथ चारों तरफ बैठ गया कि जंगल था यहां पर, जहां पर डॉक्टर से क्वार्टर थे, हमारा कॉलेज था। आज वहां पर अवस्था देखोगे कि आप वहां पर बिल्कुल ऐसा मैदान, बिल्कुल सारा रिपेयर, हर तरह का वहां पर बिल्कुल हर तरह की सुविधा से लैस है। जैसे कि डॉक्टर भारती साहब है, वो अपने उसके हिसाब से डॉक्टरों का चयन करके यहां पर लाते हैं और हमारे यहाँ पर हर तरह के डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध है, जो दूर दराज से मरीज आते हैं यहाँ पर। और विवेकानंद हॉस्पिटल का नाम अब जनपद मुरादाबाद के आसपास ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पूरा नाम हो गया है। सोसाइटी के लिए जो आप लोगों का डेडिकेशन है, उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे तत्कालीन डीएम साहब का तो बहुत ज्यादा है आपके ट्रस्ट को। और हम लोगों ने आपसे आईसीयू भी बनवाया कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए है। और हर सेवा की जो मरीज पैसे देने लायक नहीं होता था, उसको हम विवेकानंद ऐसे मरीज भी आते ना हम लोग बस। पर डीएमओ ने भी वैसे अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। सेकंड वेव में सभी लोग निरेल हो गए थे, लेकिन फिर तो सबके साथ समस्याएं आई। और इसमें और ज्यादा तो मेरे पास कुछ कहने को है नहीं। आप लोग जो इतना साफ सफाई रखते हैं अस्पताल में, इसके लिए भी आप लोग धन्यवाद के पात्र। और पहली बार हम लोगों के ये समझ में आया कि बिना हाउसकीपिंग स्टाफ के भी अस्पताल हमारा चल नहीं। उस चीज के अंदर ना सिर्फ रिसर्च की गई, पर आप लोगों ने एक्चुअली एक फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में काम किया, पूरी मेहनत, ईमानदारी, शिद्दत से काम किया। और जो अभी सीएमओ साहब ने बोला, जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, वो नर्सिंग स्टाफ से लेकर हाउसकीपिंग तक जाते हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस रही है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि डॉक्टर्स खुद कोविड से पीड़ित हैं, लेकिन वो अपने नर्सिंग स्टाफ के थ्रू वीडियो कॉलिंग से जो है अपने डॉक्टर्स को, अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, रात में 3 बजे तक, अगेन अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock। और जो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरे इस चीज को एक
जिसे कह सकते हैं रेंज स्तर के ऊपर देखते थे या हर जगह पर देखते थे, पूरे डिवोटेड होने के साथ ना सिर्फ डॉक्टर्स, ना सिर्फ वहाँ का नर्सिंग स्टाफ, ना सिर्फ वहाँ का हाउसकीपिंग स्टाफ, बट वहाँ का मैनेजमेंट भी इस चीज के लिए चिंतित रहता था कि कहीं पर भी हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो। आज हॉस्पिटल के प्रांगण में 91th हेल्थ और आई स्कैम का उद्घाटन करा गया, जिसमें माननीय श्री शलभ माथुर जी DIG मुरादाबाद व मिस्टर गर्ग CMO डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे हैं। श्री नजमुल इस्लाम साहब और डॉक्टर मीनू मल्होत्रा स्पेशल गेस्ट के तौर पे मौजूद रही हैं। आज हॉस्पिटल में 91th कैंप का उद्घाटन हुआ है, जिसमें कोविड के टाइम पे इस तरह के कैंप्स को हम लोगों ने रोक दिया था गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से, आज दोबारा से हम लोगों ने शुरू कर दिया है और ये तय करा है कि हर महीने इस तरह के कैंप हम लोग विभिन्न विभिन्न जगहों में, चाहे वो आर्टिजन्स का कैंप हो, चाहे वो जो है पुलिस कैंप हो, चाहे वो जो है नगर निगम में कैंप हो, इस तरह के अलग अलग कैंप हम आयोजित करते रहेंगे। वह साथ में हमारे हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वह हाउसकीपिंग स्टाफ है, छोटा हो या बड़ा स्टाफ हो, सभी लोगों को, जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके कोविड के टाइम पे मेहनत करी है, उनको आज हम लोगों ने सम्मानित करा है ट्रस्ट की तरफ से। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मोटिवेशन प्रोग्राम रहा है जिससे सब लोग बहुत उत्साहित हैं और इस तरह का प्रोग्राम उत्साहवर्धन का हम लोग आगे भी करते रहेंगे। पब्लिक TV आपकी आवाज़।